185 भारी लोगों ने जम्मू कश्मीर में जगह दी थी और कांग्रेस ने अपनी गलतियों से आवाज नहीं आ रही कि गुलाम नबी आजाद ने कहा। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, सला बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, पीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सी जी, तो सबसे पहले आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद आज राज्यसभा में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों से 185 लोगों ने जमीनों को खरीदा है, जिसमें 2020 की बात करें 2020 में एक आदमी ने खरीदी थी सिर्फ, और 21 में 57 लोग थे जिन्होंने जहां की जमीन खरीदी, और जो 22 में है वो 127 लोगों ने जमीन खरीदी है। कुल मिला के 125 लोग हैं, 185 लोग हैं जो बाहर से जिन्होंने जमीन खरीदी है, और 1569 जो बाहर से जो निवेश जो है वो यहाँ पे आया है जी। अब कितना है वो तो सामने क्या दिख रहा है वो तो बड़ी बड़ी एक चर्चा की बात है, लेकिन ये जो जवाब आज राज्यसभा में आया है इससे लग रहा है कि बाहर लोगों का जो यहाँ की तरफ था, जितना हम समझ रहे थे कि 370 हटने के बाद एक फ्रंट सा आ जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह अपोजिशन बातें भी कर रही थी यहाँ बहुत से वोटर बन जाएंगे, बाहर से ज़मीनें लोग ले जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से बहुत कम जो है लोग जो हैं बाहरी लोग जो आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार की अप्रीहेंशन तो सभी दिखाते हैं, खासतौर से वैली आधारित लीडर जो है, जिनमें महबूबा मुफ्ती है, अल्ताफ बुखारी हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इवन गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद लगातार कहते रहे हैं कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की नौकरियाँ यहीं के लोगों के लिए होनी चाहिए। अब देखना होगा, दिलचस्प ये जो नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज सरकार ने चूँकि खुद राज्यसभा के पटल पर ये बात स्वीकारी है कि 185 लोगों को हमने जमीन दी है, ये खुलासा नहीं कि कितनी जमीन दी गई है, ये भी एक बिटवीन द लाइन सोचने की बात है कि कितने कनाल, कितने सैकड़ों कनाल, हजारों कनाल दी गई है। तो और ये भी कहा गया कि इतने लोगों का निवेश भी आया। निवेश की जहाँ तक बात करें, हालांकि सरकार का तो दावा ये भी रहा, लगातार सुर्खियाँ बनती रहीं कि 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, इस तरह की सुर्खियाँ लगातार बनती रही अखबारों में कि देश भर से, विदेश से, दुबई से और दूसरे मुल्कों से भी बहुराष्ट्रीय कंपनी भी शामिल है। लेकिन अभी तक जो ज़मीन पर जो दिखाई दिया हकीकत में अमली अहमद जामा, वो हमें कश्मीर श्रीनगर में दिखाई दिया, जो एक जो मॉल बन रहा है वो दुबई आधारित का कारोबारी है, तो मुझे लगता है सारी इन्वेस्टमेंट उसी की होगी। तो हो सकता है, लेकिन हम लोग हम समझते हैं कि असली जो विवाद की जड़ जो ये खड़ी कर रहे थे विपक्षी खासतौर से, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जो कि केंद्र की सत्ता के बेहद करीब कहे जाते हैं, उनके बयान भी हम समझते हैं कि हालांकि आपने ठीक कहा कि पहले बड़ा ये था कि पत्नी दाखिल हुआ कोई फ्लड गेट खुल जाएगा और इतने लोग आ जाएंगे, लेकिन इतना भी जरूर है कि सरकार ने जो स्वीकारा है संसद में राज्यसभा में 185, लेकिन मुझे बताया नहीं गया कि कितने 185 लोगों को कितनी ज़मीन दी गई है। खरीदना ब्रॉड का मतलब खरीदा जाना बहुत बड़ी बात है, एक होता है लीज जो पहले सिस्टम हमारी स्टेट में रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो जो नेता बहुत बयानवीर हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मुझे लगता है कि रात तक इस पर बयानबाजी शुरू हो जाएगी, खासतौर से जो घाटी आधारित नेता हैं। हालांकि जम्मू में भी इस तरह की बातें उठती रही हैं दूसरे दलों द्वारा, एक्सेप्ट बीजेपी, कि भाई बाहरी राज्यों के लोग आएंगे, ये उसमें सभी दल कमों भी शामिल हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अब देखते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या इससे रद्दमल होता है। और लेकिन इतना जरूर है, इसमें ये भी बयान आना चाहिए था जो लोग समझते हैं, ये बयान दोपहर को आया तो लोग ये भी दो चार लोगों से बाद में कहना ये था कि ये भी बताया जाना जरूरी था कि अगर ज़मीन दी है इस पर क्या कारोबार है, इसमें रोज़गार के कितने मौके उपलब्ध होंगे, ये भी एक ज़रूरी इसमें खुलासा आना चाहिए। पर जिस तरह से 2001 में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया गया, एक आदमी को ज़मीन दी गई, और 2021 में सिर्फ 57 लोग थे, 22 में जाके 127 पे इसका किया गया। हालात यहाँ के जब सुधर गए हैं या लोगों ने इंटरेस्ट किस लिए यहाँ पे शो करना कर दिया, और क्या चीज़
किसके ऊपर ये जमीनें जो है इसके ऊपर क्या कारोबार हो रहा है, किस काम आ रही है, ये सब चीजें जो अभी। और आप देखिए ना, अभी ये चौथा महीना इस साल का, इस स्वाभाविक है ये 22 तक का आंकड़ा है, ये चौथा महीना शुरू हो रहा है, इसमें पिछले 3 महीनों में कुछ लोगों ने खरीदारी की होगी, तो कहने का मतलब है कि सरकार ने आंकड़ा दिया है, सरकार का आंकड़ा एक्यूरेट ये है वास्तव में, जैसे कम है ज्यादा है, ये तो विपक्ष लगता है कि इस पर लेकर जो ये समझते हैं कि 370 तोड़ने के जो झंडा उठा के चल रहे थे उनकी ओर से प्रतिक्रिया होना लगता है स्वाभाविक है। पर जो 1,559 कितने 59 बता रहे हैं निवेशक जो है, उन इतने बड़े निवेशक जो है उन्होंने कहाँ कितना कहाँ निवेश किया, ये बात भी सामने आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इसमें डिटेल नहीं है, ये लगता है कि इन्होंने एक ब्रॉडर लाइन दिया है, क्योंकि इतने बड़े निवेशक अगर जहाँ पे निवेश कर रहे हैं वो दिखाई देने चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, रोजगार वही तो असली मेन। देखिए बिटवीन द लाइन क्या, सरकार का ये तमाम करने की कवायद के पीछे एक स्लोगन ये था बड़ा कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो MOS होम जो है नित्यान राय उनके बयान में कहीं ये खुलासा नहीं है कि इतना निवेशक हुआ, इतनी जमीनें खरीदी गई, इसका लाभ यहाँ के स्टेट के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, ये भी एक आंकड़ा सामने आना चाहिए था, जो ताकि विपक्षी अगर हमला करें तो उनके लिए जवाब होता नहीं, भाई अगर हम जमीन दे रहे हैं निवेशक आ रहे हैं तो यहाँ के युवा जो बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता आ रहा है, तीसरे के चौथे नंबर हमारी स्टेट है पूरे देश में बेरोजगारी में, जो आंकड़े ICCI ने पिछले दिया, तो हम समझते हैं बड़ा अहम हो जाता है, इस पर भी खुलासा होना चाहिए था कि आखिर इतना सब कुछ होने के पीछे मकसद तो रोजगार भी है ना। अगर आप पैसे वाले लोगों को रोजगार दे जहाँ जगह दे रहे हैं तो उसका हक तो यहाँ के युवाओं को ही बनता है कि उनको रोजगार मिले यहाँ पर, तो मैं समझ वो कहीं ना कहीं कमी दिखती है। श्री जी गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी जो बायोग्राफी लिखी है उसके बारे में जैसे सोशल मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस को जमकर कसा और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ की है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस है जो वो कभी सुधर नहीं सकते, मतलब इतनी देर कांग्रेस में रहने के बाद अब 2-3 सालों के अंदर अंदर कांग्रेस इतनी बुरी उसके लिए हो गई है कि वो ये कह रहे हैं वो सुधर नहीं सकती। जब तक वो राज्यसभा में थे मेंबर अपोजिशन पार्टी के नेता थे तब तक कांग्रेस सुधरी हुई थी, उसके बाद ही अब लग रहा है इनको नहीं सुधरा गया। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद कहीं एक कंफ्यूजन मोड पर हैं। आप देखिए पिछले एक हफ्ता पहले की बात है शायद, जब राहुल गांधी को सजा के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद उनका सरकारी आवास खाली कराने की बात की, तब मीडिया ने बात की, तब इसी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि मैं सरकार के इस कदम से असहमत हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। एक हफ्ता पहले क्या बयान था और एक हफ्ते बाद आज क्या बयान है, हमारा मानना है कि जिस तरह हम लगातार PPP लाइन भारत जोड़ो यात्रा में हमने लगातार कवरेज की, उसमें आजाद का भी जिक्र आता रहा गाय बगाए, हमने ये भी कहा था कि इन्होंने खड़गे बाया मीडिया खड़गे से बात की थी कि किस तरह हमारा फिर घर वापसी हो जाए, वो बात नहीं बन पाई, खड़गे ने भी हाथ खड़े कर दिए, चूँकि इन्होंने हमले गांधी परिवार पर व्यक्तिगत किए थे और उस गांधी परिवार पे जिस गांधी परिवार ने एक भलीसा जैसे कि रिमोट गांव से उठाकर उसको पहले भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, महाराष्ट्र से सांसद बनाया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी और जो वर्किंग कमेटी जो फैसल इंडिया की कमेटी है, और ये उस दौर की बात है जब सत्ता में थी कांग्रेस, विपक्ष में नहीं, आपने मिलाइयाँ खूब चाटी, आपने सत्ता का जमकर दोहन किया, आप जम्मू कश्मीर के हवाले से जिसको चाहते हाथ रखते हुए MLC बन जाते थे, जिस पे हाथ रखते थे वो मंत्री बन जाते थे, जिससे हाथ रखते को टिकट मिल जाती थी, आप उस दौर को सब भूल गए हैं, और वो सब चीज़ें नॉमिनेशन में थी, आप इलेक्ट कब हुए मुझे पता ही है, चीफ मिनिस्टर जब बने चुनाव बाद में हुआ, चीफ मिनिस्टर पहले बनाए गए, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये सब अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो कहीं मौजूदा जो उनके साथ कुछ लोग आए थे ताराचंद वगैरह जो वापस लौट गए, और कुछ ही लोग बचे हैं, जुगल है, कटराल है या सरूरी हैं, इंदरवाल या कश्मीर से एक दो लोग हैं। मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आजाद को ये साफ समझ आ गया है कि आप देखिए ना, जब ये अलग हुए तो उनका मैं राष्ट्रीय पार्टी गठन कर, बिल्कुल 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन
अभी तक ये पूरा संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ब्लॉक स्तर की पार्टी नहीं बना पाए। सभाएं कर रहे हैं, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, सभाएं भी अच्छी हो रही हैं, और आप जानते हैं भीड़ कैसे जुटाई जाती है नेताओं की सभाओं में, सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट है। तो हमारा मानना यह है कि गुलाम नबी आजाद लगता है कि इस मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो सोच रहे हैं कि नई दिल्ली की अगर उन पर कृपा दृष्टि हो जाए तो उम्र के इस पड़ाव में शायद उनको कोई ऐसा मानद पद मिल जाए, नामांकित मिल जाए, कि ताकि बाकी उम्र कटी जाए। इसलिए वो कांग्रेस के बारे में अभी भी अनाप शनाप जो मन में आ रहा है रुदाली मुद्रा में है, तो वो अपना रुदाली प्रलाप कर रहे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उनका ये ना हो कि अगले, जिस प्रकार आपने देखा या जम्मू कश्मीर में पार्टी उसको जेड प्लस दी गई है, बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा था अल्ताफ बुखारी ने कि बीजेपी की भी टीम है, आपको याद होगा कैसे पार्टी गठित थी। तो आज जो बयान आ रहे हैं उससे इन्होंने खुद अपने आप को उस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि उनकी दोस्ती, उनका प्रेम रोग, प्रेम राग वो दिल्ली के साथ है और कांग्रेस के निशाने पर है। और जिस प्रकार अडानी को लेकर सत्ता घेरे में है, लग रहा है कि ये फ्रंट फुट पर आकर बॉलिंग करने के चक्कर में कांग्रेस के खिलाफ। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।